नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या आय के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला है, इसको याद रखिएगा। पहले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, श्री रामनाथ कोविंद जो हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, एम वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। अगला है, नीति आयोग के CEO कौन है। देखिए, नीति आयोग के CEO जो हैं वह अमिताभ कांत हैं। तो इसको याद रखिएगा, नीति आयोग के CEO जो हैं अमिताभ कांत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए, सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, ऐसे बोबड़े जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। इससे पहले कौन थे। तो देखिए, इससे पहले रंजन गोगोई थे। अगला, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए, राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो देखिए, बिमल जुल्का जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इसको याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का हैं। अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो देखिए, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजीव महर्षि जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला देखते हैं, ICC के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, ICC के जो अध्यक्ष हैं वह शशांक मनोहर हैं, और ICC के जो CEO हैं वो मनु सहनी हैं। तो इसको याद रखिएगा, ICC के अध्यक्ष जो हैं शशांक मनोहर हैं। अगला है, BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो देखिए, अजीत डोभाल जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह अप्रैल 2020 तक अपडेटेड है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, रेखा शर्मा जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, नौसेना के अध्यक्ष कौन है। देखिए, एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह है, यानी RK सिंह है। तो वायुसेना के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह हैं। अगला, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं। तो देखिए, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं भारत के पहले लोकपाल बने हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह अपडेटेड करंट अफेयर्स या वर्तमान में कौन क्या पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला है, इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान हैं। आइए कुछ इसरो के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसरो की स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसरो का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में है, और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतना आप इसरो के बारे में याद रखिएगा। अगला है, DRDO के अध्यक्ष कौन है। देखिए, DRDO के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो है जी सतीश रेड्डी हैं। देखिए, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
और DRDO का जो मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था, तो भी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।